हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। भाइयों भाइयों जैसे तुम दोबारा कर ले यार भाई, तो शोर है ना, दोबारा कर ले। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। भाइयों जैसे कि तुम्हें भाई पता है, इससे भी इस वीडियो से पहले R15 की ऑलरेडी वीडियो आ चुकी होंगी, इसका राइडर वगैरह मैंने दिया था, R15 का भी दिया था मैंने। तो भाई जब बाइक यहाँ पे खड़ी है और R625 खड़ी है तो ऑब्वियसली भाई सीट हाइट कंपेरिजन तो होना ही है, ठीक है। तो सीट हाइट कंपेरिजन करते हैं इस वीडियो में। और मेरी हाइट है 5 feet 4 inches ऑलरेडी, काफी लोगों को पता है, जो लोग नए नए उनके लिए मैं बता देता हूँ मैं। और भाई इस बाइक की हाइट है 810 mm, ठीक है, और इस मेरी वाली की है 835 mm। वो बात अलग है, मैंने सीट हाइट थोड़ी कम कर रखी है, बट कोई बात नहीं। तो हम अब इसमें बैठ के दिखाऊंगा कि जैसे मेरी हाइट का जो बंदा अगर इस बाइक पे बैठता है तो एक्चुअली उसके पैर कैसे आते हैं बाइक पे, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है कि भाई बैठ के दिखाओ बाइक पे एक बार कि पैर पूरा आ रहे नहीं आ रहे, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए सबसे पहले इस पर बैठ के देखते हैं हम। हाँ, स्टैंड मैंने ऊपर कर दिया है भाई, देख रहा हूँ मतलब मेरा जो है एंकल बस उठा हुआ है थोड़ा सा भाई, बहुत माइनर उठा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो पूरा जमीन पर लग जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और दोनों पैरों की बात करूँ तो हल्का हल्का सा बस एंगल उठा हुआ है, फीट पूरा नीचे लगाया, मतलब पूरा टो पूरा नीचे लगा हुआ है, हल्का हल्का एंगल उठाया है बस, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मतलब भाई सीट हाइट काफ़ी अच्छी है, मतलब जो लोग एवरेज हाइट वाले शॉर्ट हाइट वाले बल्कि मैं कहूँगा आराम से चला सकते हैं भाई इस वाली बाइक को, और मतलब बेहतरीन तो लगे रहे भाई, देखो सामने से लोग देखो अल्टीमेट। तो मतलब थोड़ी जिनका हाइट भाई कम है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे परचेज कर सकते हो और आप कॉन्फिडेंटली चला सकते हो आप बाइक को, इसको कोई इशू नहीं है। और अगर जहाँ तक मैं बात करूँ अपनी बाइक की, इसकी थोड़ी सी हाइट आपको ज़्यादा मिल जाती है। इसमें क्या है कि अगर आपकी 5 feet 4 inches है या 5 feet 2 है तो आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है, हालांकि मैंने सीट हाइट कम कर रखी है तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी, मैंने अपने अकॉर्डिंग कम कर रखी है, वो इसकी भी कम हो सकती है, मोनोशॉक को थोड़ा चेंज कर देंगे, एडजस्ट करते हैं ना, हो जाता है। एक बाइक खरीदना पड़ेगा भाई, लग रहा है बाइक की बहुत ज़्यादा नीड है, जनरेटर भी ऑन हो चुका है, सारी आवाज आएंगी आपको। तो भाई इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं, छोटी सी शॉर्ट वीडियो रहेगी, ऑब्वियसली ज़्यादा लंबा बनाने ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो भाई तुम्हें पता लग गया होगा, आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 feet 2 वाला 5 feet वाला बंदा भी आराम से बाइक को चला सकता है। अगर हाइट को लेकर कंसर्न है कोई सोचो मत बिल्कुल भी, शोरूम पे जाओ बाइक को चला के देखो, कॉन्फिडेंस आता है ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लाइक स्टूडेंट टू जीएस।